दुर्ग निगम की स्वास्थ्य विभाग टीम इन दिनों मच्छर और डेंगू से बचाव को लेकर टिमिफॉस का छिड़काव कर शहर की जनता को इससे बचने उपाय बता रही है। दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जावेद अली के दिशा निर्देश पर दुर्ग शहर के वार्डों में डेंगू और मच्छरों के लार्वा से होने वाली बीमारियों से बचने और इसकी रोकथाम को लेकर निगम कर्मचारियों द्वारा फॉगिंग मशीन से धुआं छोड़ टिमिफॉस दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। पीछे भागो, उसके बाद ये किनारे बच गया आपका, ये वाला, इसमें हम इस दौरान दुर्ग नगर निगम परिसर में भी टिमिफॉस दवाई और धुआं छोड़ा गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जावेद अली ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में इसका उपयोग किया जा रहा है, साथ ही लोगों के बीच जागरूकता लाने और इस बीमारी से बचने उपाय भी बताए जा रहे हैं। नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत 60 वार्ड आते हैं, जिसमें मौसमी बीमारियों और डेंगू के रोकथाम, मलेरिया के रोकथाम हेतु पूर्व से जो है गतिविधियां हमारी निरंतर जारी है, और इसमें बेहतर व्यवस्था लाने के लिए आज जो है हमारे जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मंजारे साहब उपस्थित थे और उनके साथ उनके सहयोगी जो है दुबे सर भी उपस्थित थे। उनके द्वारा हमारे जो नगर निगम के कर्मचारी है जो शिखर मशीन मतलब स्प्रे पंप के माध्यम से छिड़काव का कार्य करते हैं और फॉगिंग मशीन से जो धुआं छोड़ने का कार्य करते हैं उनको और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है और फील्ड में भी जाके उनके द्वारा प्रैक्टिकली बताया गया कि किस तरीके से स्प्रे करना है और किस तरीके से फॉगिंग का कार्य करना है। तो मेरा नगर निगम दुर्ग से के माध्यम से यह अपील पब्लिक से भी करना चाहता हूँ कि मौसम में अधिकांश जो है जल जनित बीमारी, डेंगू मलेरिया की ये बीमारी होने की आशंका अधिकांश बनी रहती है, इसलिए आप घर में जो भी चीज़ है खाने की है वो गर्म खाना खाइए, बासी खाने का उपयोग ना करें, पानी जो है उबाल कर पिए, क्योंकि जल जनित बीमारी के कारण पानी से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है। होटल में जो खाना खा रहे हैं उसको आपको देख के परख के खाइए, ताकि कई जगह होटलों में बासी खाना वो उपयोग भी आता है, ऐसी शिकायत प्राप्त होती है जिस पर नगर निगम कार्रवाई भी कर रहा है, पर आपको भी सजग रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही नगर निगम दुर्ग के जो हमारे कर्मचारी है वो हर घर जा के, जैसे कूलर है, कूलर में लार्वा पनपने की जो है बहुत सारी संभावना बनी रहती है, क्योंकि लोग जो है कूलर को छोड़ देते हैं पानी भर के, तो 1 से 2 दिन 3 दिन पानी जमा रहेगा तो वहाँ लार्वा पनपने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे कर्मचारी जाके वहाँ टिमिफॉस का छिड़काव करते हैं उस कूलर में और पब्लिक को समझा भी रहे हैं कि आप इसमें जो है पानी बदलते रहें और स्वच्छ पानी रखें। इसी तरह घर के परिसर में जैसे गमला वगैरह हो गया है और भी ऐसे कोई सामान रहते हैं जिसमें पानी, टायर ट्यूब हो गया है, उसमें भी बरसात का पानी जमा हो जाता है तो उसमें भी लार्वा पनपने की संभावना रहती है। उसमें भी हमारे आदमी जो छिड़काव तो करते ही है, परंतु उस घर वाले को भी ये समझाया जाता है कि आपके यदि जला ऑयल है या मिट्टी तेल है या और भी कोई तेल है उसको आप डाल के ये प्रक्रिया निरंतर करेंगे तो जिसके कारण जो बीमारियां होनी है उससे आपको बचाव हो सकता है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।